हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन के लीवर की रेसिपी। ये देखिए, मेरे पास 1 किलो चिकन का लीवर है। तो बनाने से पहले हम इसे मैरिनेट कर लेते हैं। दो चम्मच नमक, दो चम्मच हल्दी और थोड़ा सा सरसों का तेल। और अब मैं इसे हाथों से मिला लेती हूँ अच्छी तरह से। आप चिकन के क्वांटिटी के हिसाब से नमक और हल्दी डालें। मेरे पास 1 किलो चिकन है तो मैंने उसी के हिसाब से डाला है। और अब मैं इसे आधा घंटा के लिए रेस्ट पर रख देती हूँ, उसके बाद मैं इसे बनाऊंगी। मसालों के लिए मैंने यहाँ पे लिया है लहसुन, कुछ हरी मिर्च, अदरक और 3 बड़ी साइज की प्याज। तो मैं इन सबको पीस लेती हूँ और बाकी मैं पाउडर मसाला यूज करूँगी। तो मैं पहले इन सबको पीस कर रेडी कर लेती हूँ। फ्रेंड, मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है और ये गर्म हो गई है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1 सूखी मिर्च, 2 तेज पत्ती और प्याज। और अब मैं इसे अच्छी तरह से चला लेती हूँ। हमें इसे 2 मिनट तक फ्राई कर लेना है, जब तक ये हल्का ब्राउन ना हो जाए। प्याज भून चुकी है तो अब मैं मैरिनेट की हुई चिकन के लीवर को डाल देती हूँ और इसे चला लेती हूँ। हमें इसे तब तक भूनना है जब तक कि इसके अंदर का जो पानी है वो सूख ना जाए। तो इसे भूनने में हमें 5 मिनट का समय लगेगा। मैंने चिकन को 2 मिनट तक भून लिया है और मुझे इसमें थोड़ी हल्दी कम लग रही है तो मैं इसमें और 1 चम्मच हल्दी डाल देती हूँ और इसे मिला लेती हूँ वापस से। मैं इस रेसिपी में कुछ एक्स्ट्रा मसाला यूज नहीं करने वाली हूँ। मैं घर के ही इंग्रेडिएंट्स के साथ आपको मैं देसी तरीके से इसे बनाकर दिखाऊंगी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। इसे हमें और 2-3 मिनट तक भूनना है। देखिए, इसे पानी निकल रही है, ये सारा सोख जाए उसके बाद मैं इसमें मसालों को ऐड करूँगी। अब मैं इसमें डाल देती हूँ अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। इसे भी हमें 2 मिनट तक भून लेना है। और अब मैं डाल देती हूँ इसमें पाउडर मसाले। 1 बड़ी चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ी चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1 छोटी चम्मच गोल मिर्च का पाउडर। और हमें इसे चला लेना है। भूनते वक्त गैस का फ्लेम मीडियम पर रखें। मसाले देखिए अच्छी तरह से भून चुकी है और चिकन भी फ्राई हो चुकी है। तब मैं इसमें डाल देती हूँ 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। ये सिर्फ कलर के लिए है, इससे तीखा बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। इसे मैं और 1 मिनट तक फ्राई कर लूँगी, उसके बाद ग्रेवी के लिए गर्म पानी डाल देंगी।
चिकन भुन चुकी है, तब मैं ग्रेवी के लिए इसमें गर्म पानी डाल देती हूँ। आपको जितना ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब से पानी डालें। और अब मैं चिकन को ढक के 15 मिनट तक पकाऊंगी। हमने चिकन मैरिनेट करते समय इसमें नमक डाला हुआ था, तो अब मैं इसमें आधा चम्मच नमक डालूंगी, क्योंकि ग्रेवी के लिए हमने पानी ऐड किया है। तो आप भी ध्यान रखें और उसी हिसाब से नमक डालें, या तो फिर आप थोड़ा सा चख के टेस्ट कर लें उसके बाद डालें। और मैं इसे ढक देती हूँ और 10 मिनट तक मैं इसे पकाऊंगी। फ्रेंड्स, चिकन बन के तैयार है। देखिए सारा ऑयल ऊपर आ गया है, मतलब चिकन बन चुकी है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और इसे हम मिला लेते हैं। अगर आपको कम ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा सा और पका लें। फ्रेंड, चिकन के लीवर की रेसिपी बनके तैयार है। आप भी इसी तरह घर पर ज़रूर बनाएं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बाय, टेक केयर।